राघोगढ़ वालों बताओ मुझे, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ करप्शन नाथ की पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और भाई ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, बरोबर जानते हो ना। 5 साल तक ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाए भाई, बोलो। वो कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अब राघोगढ़ वालों, आज राघोगढ़ की पवित्र भूमि पर मैं कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। भाई और बहनों और माताएं बहनें, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना, करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना, होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर फिर से बनाया, बाबा महाकाल का लोक बनाया, सोमनाथ मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ धाम का पुनरोद्धार किया, केदार धाम का पुनरोद्धार किया, विंध्यवासिनी मंदिर नया बन रहा है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे तीर्थ स्थानों और भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। मैं बताने आया, इनको तो नर्मदा मैया की जय बोलते हैं तो भी तकलीफ आती है। कर्नाटक में मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान करती है। भाइयों और बहनों, मैं तो गुजरात से आता हूं, हमारे गुजरात में कहते हैं, अरे सुनो ना यार, थोड़ी देर सुन लो, हमारे गुजरात में कहते हैं 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 3 तिगड़ा काम। यहां पर भी क्या है मध्य प्रदेश में, एक तो करप्शन नाथ कमलनाथ है, एक दिग्विजय सिंह जी है, ये दो परिवार हुए। कमलनाथ को नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दिग्विजय सिंह को राज्यवर्धन सिंह को बनाना है, और सोनिया जी को जयवर्धन सिंह को बनाना है, और सोनिया जी को राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, जो अपने बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो आपका भला कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? मित्रों, हमारे यहां कहते हैं 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। ये 3 परिवारों ने मध्य प्रदेश को बंटा धार बनाकर रख दिया। मित्रों, मगर यहां तो कुछ और है। आदेश
गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और गलती हो जाए तो गाली बिचारे दिग्विजय सिंह को देते हैं। बोली मंच पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की जो बात करते हो, वो मध्य प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना था। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी ने ये 9 सालों के अंदर मध्य प्रदेश के विकास के लिए 15 लाख से ज्यादा रुपया भेजने का काम किया, 15 लाख करोड़ रुपया। और सोनिया मनमोहन ने 10 साल में 2 लाख करोड़ भेजा था। इसके सामने मोदी जी ने 15 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया है, 15 लाख करोड़। किसान सम्मान निधि 93,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया देते हैं मोदी जी। अब मैं बताने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 6,000 की जगह अब 12,000 रुपया मिलेगा भाई। 65 लाख गरीबों को जल जीवन मिशन से नल से जल भेजने का काम मोदी जी ने किया। 3,70,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी देते हैं। अब मैं बताता हूं, कमल फूल की सरकार बता दो, ये 5 लाख से 10 लाख तक का खर्चा सभी को मिलेगा। 80 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया है। अब मैं बताता हूं, मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बना दो, 5 करोड़ लोगों को जो अनाज मिलता है वो 2029 तक मुफ्त अनाज की योजना मोदी जी ने जारी कर दी है। 82 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। और अब मध्य प्रदेश भाजपा ने घोषणा की है, गैस का दाम कितना भी हो, माताओं बहनों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हमेशा के लिए मिलेगा। मुझे बताओ राघोगढ़ वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से दोनों हाथ उठाओ, लग गया ना? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगाया है ना? ये राहुल बाबा उस वक्त कहते थे टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है, मोदी टीका है, मगर लोग उनकी सुनते नहीं है। सभी ने टीका लगाया, फिर एक दिन डरकर रात को वो भी टीका लगा है। एक कांग्रेस पार्टी वाले कोरोना जैसे महामारी में भी राजनीति करना नहीं छोड़ते हैं। और मोदी जी ने 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने बजट भी बढ़ाया, रोड भी बढ़ाए, मेडिकल कॉलेज भी बनाए, आईटीआई की संख्या भी बढ़ाई, 5,10,000 किलोमीटर रोड बनाया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, पिछड़ों के लिए बजट बनाया बढ़ाया। और एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ थे तब, शिवराज जी ने चालू की हुई
51 योजनाओं को बंद कर दिया। अगर गलती से भी कमलनाथ आए तो लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे। कर देंगे या नहीं बताओ भाई, कर देंगे या नहीं? और अंत में राघोगढ़ वालों को पीछे तक लोग दिखाई पड़ते हैं, ये सभी को मैं पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? कश्मीर भारत का है या नहीं है? 370 धारा हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अपने अनोरथ संतान की तरह गोदी में खिलाती थी। जब मोदी जी आए, मोदी जी ने एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। अब जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर से राहुल बाबा खड़े हो गए। राहुल बाबा ने कहा मत लाओ, मत हटाओ भाई, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों न हटाए, बचाओ। तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है, मोदी जी ने भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया है मित्रों, और G20 के माध्यम से देश को कूटनीतिक क्षेत्र में तिरंगे को आकाश की ऊंचाइयों तक फहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों और विशेषकर युवा मित्रों, मैं आज आप सभी से एक वादा मांगने आया हूं। 77 से अब तक, जब से कमल फूल हमारा निशान बना तब से राघोगढ़ कभी हम जीते नहीं। इस बार वादा करो हमारे युवा प्रत्याशी को कमल फूल लेकर भोपाल भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे? इनको विधायक बनाओगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।